हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। और अभी बेड में हूँ, अभी सो के उठ ही रहा हूँ और मिलते हैं आपको जल्दी नहा धो के फ्रेश होके। और बाकी लोग सोए हुए हैं गाइस, ब्लॉग में बने रहेगा गाइस आखिर तक। और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। गाइस रेडी हो चुका हूँ और आज जा रहा हूँ मैं मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुइस, और जल्द से मिलेंगे आपको बस स्टेशन पर जहाँ से बस मिलेगी पोर्ट लुइस के लिए। गाइस बने रहेगा ब्लॉग में फिर से। तो गाइस मैंने ले ली है सेल्फ स्टिक और अब मैं इसी से ब्लॉग बनाया करूँगा गाइस। मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। तो गाइस पहुँच चुका हूँ मेन रोड पे और बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। पोर्ट लुइस वाली बस आने वाली है गाइस, और जैसी बस आएगी और बस के अंदर से फिर मैं आपसे फिर से जुड़ूँगा। ये देखिए गाइस सामने का व्यू, और इस तरफ ये मेन रोड। और आज का मौसम बहुत अच्छी, धूप खिली हुई है गाइस, बहुत ही बढ़िया। पूरी YouTube फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गाइस बस आ चुकी है गाइस, और इसी बस में हम जाएंगे। बस मिल चुकी है, अभी बस में बैठा हूँ। पोर्ट लुइस में और बहुत सुंदर धूप खिली हुई है और साफ था। तो गाइस पोर्ट लुइस का नज़ारा, काफ़ी गर्मी है, हमारे इनसे भी ज़्यादा गर्म है यहाँ पर। और अब जा रहा हूँ बागाटेल की ओर, क्योंकि यहाँ मैं ये देखिए गाइस इस तरह पार्क है, छोटा छोटा पार्क है गाइस। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, मत इस तरफ का बहुत ही पैच चल रहा है। बस का इंतज़ार है और आज मैं पहुंच गया हूं एक पोर्ट लुइस में, एक शॉप है यहां पहुंच चुका हूं। और काफ़ी सारे यहां पर मूर्तियां हैं भगवान शिव शंकर जी की, और दिखाता हूं आपको। ये देखिए गाइस काफ़ी सारी है मूर्ति भी हैं और लॉकेट्स हैं गाइस। ये देखिए गाइस, देखिए शिव शंकर जी की मूर्ति भी है और काफ़ी सारी रुद्राक्ष की माला भी यहाँ इस शॉप में है, और काफ़ी सारी मूर्ति भी हैं, गणेश जी की फोटो भी हैं और हनुमान जी की भी मूर्ति हैं, काफ़ी सारे कैलेंडर भी हैं और बैग्स भी हैं राधे राधे वाले गाइस। पोर्ट लुइस गाइस मैं बस में बैठ चुका हूँ, मुझे जाना आज इबेर और हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, मुझे अपना पासपोर्ट आना है नया वाला, और पासपोर्ट बन के तैयार हो चुका है। एक्साइटेड बिकॉज मेरे पासपोर्ट को 10 साल पूरे हो गए, नया पासपोर्ट मैंने अप्लाई किया था मॉरीशस में, और आज मुझे वो मिल जाएगा। जल्दी से मिलेंगे आपको इवेन हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। मैं बस के अंदर हूँ, अभी बस खाली है, और मैंने कंडक्टर साहब से बात करी तो उन्होंने बोला ये वाली बस जा रही तो इसमें बैठता है। तो गाइज बस बहुत कम्फर्टेबल है और सेम इंडिया की तरह है बस है। देखिए आप पीछे की सीटें कैसी लगी हैं, सारी सीट एक जैसी है, और धीरे धीरे पैसेंजर आ रहे हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले मैं आया क्योंकि बस खाली थी, और ये चलेगी यहाँ से चलेगी 2 बजे और मैं 3 बजे। तो गाइज बस के अंदर मिल चुके हैं हमें नाइजीरिया, फ्रॉम नाइजीरिया, और यू कम फॉर विजिट? या यू लाइक मॉरीशस? या और इट्स गुड। व्हाट अबाउट नाइजीरिया? देयर इज व्हाट व्हाट कोल्ड नाउअडेज? या इज कम फॉर ऑट्स, या बट हियर इज It's cool. Yeah. So when you have to go back? Saudi next week. Next week. क्या बात है, वाह। देखो यूले मिल के बस भी देर आज, और क्योंकि ये भी जा रही है तो घर मिल चुके हैं। Nice to meet you man. Nice to meet you. Your name? Rashid. Rashid. My name is Pradeep. Pradeep. Yes. Yeah. So from today you will see Pradeep Pahari vlog. All right. Yeah. Thank you. सब लोग. दीक्षा. दीक्षा. और मैं यहाँ मॉरीशस मैं घूमू एरू नाइजीरिया बटी बेरी। क्या बात है, वाओ। सो दिस वीडियो आई विल पुट इन द यूट्यूब, देन यू विल सी। ओके मैन, यू वांट टू से समथिंग? एनीथिंग? ना, मॉरीशस इज गुड एंड नाइजीरिया इज गुड आल्सो, थैंक यू। और मैं अपना फेवरेट जूस एक बार फिर से पी रहा हूँ, मॉरीशस का सबसे बिकने वाला जूस नंबर 1। यस,
ये देखिए गाइज, बस फर्क इतना है कि पासपोर्ट जो ऊपर था वो नए वाले में नीचे की तरफ आ चुका है, और जो पुराने में था भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया वो नए पासपोर्ट के ऊपर फ्रंट में आ चुका है। इतना फ़र्क है, बाकी जो सत्य में जीते हैं वो सेम है। और यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स हैं जो पढ़ने के लिए हैं। अभी मैं ऑफिस में हूँ, पासपोर्ट ऑफिस में दिखाता हूँ कुछ बुक्स। ये देखिए गाइज, अमित पूर्व संपर्क असाधारण सफलताएँ, भारत की राजनीति यात्रा 2014 से 2018 तक। देखिए गाइज, सिद्धार्थ मार्ग के लिए बस पकड़ता हूँ, बस स्टॉप सामने है। और यहाँ दो से ढाई घंटा लगा मुझे पासपोर्ट कलेक्ट करने में और पीसीसी कलेक्ट करने में। गाइज बहुत बढ़िया मौसम, शाम का टाइम हो चुका है, बारिश आने की पूरी शंका है। 5 बज चुके हैं, मॉरिशस को इंद्रधनुष जी के दर्शन कराता हूँ आपको। ये देखो गाइज, जय हो। देखिए गाइज, सामने बस स्टॉप है, कितने सारे लोग खड़े हैं बस के लिए, और बस भी आ चुकी है। बट ये तमारिन वाली नहीं है, जिस पे मुझे जाना है वो दूसरी बस है, और बहुत सारे लोग खड़े हैं उस साइड से। ये देखिए गाइज, शाम का वक्त, देखिए कितनी भीड़ लगी है यहाँ बस स्टॉप पे। देखो ये भारत की तरह लग रहा है पूरे भारत। गाइज अभी हूँ MCB बैंक मॉरिशस कतरबॉन में, और सामने बस स्टॉप है। अब चलता हूँ तमारिन की ओर, और ऑलमोस्ट मार्केट सारी बंद हो चुकी है गाइज, क्योंकि यहाँ शाम 8 बजे तक ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती है सारी मार्केट्स। इधर आया था मैं, फेयर मार्केट पर आया था, तो ऑलमोस्ट मार्केट अभी क्लोज हो चुकी है। और हमारे साथ जेंटलमैन जुड़े हैं। सर, योर नेम? रवीन। यू आर फ्रॉम मॉरिशस? या, आई एम मॉरिशियन। डू यू स्पीक हिंदी? बोल रहे हैं। क्या बात है। तो इनसे, इनकी दुकान खुली थी, तो मैंने कहा सर से कुछ सामान ले लूँ, ये कार टी शर्ट वगैरह। और अभी मैं बस में भी, मुझे बस भी अभी जाने वाली है हमारे के लिए। तो सर अब कब खुलेगी मार्केट? कल खुलेगी, परसों कब खुलेगी? कल तो वेजिटेबल मार्केट होंगे। ओके। और इसके बाद फ्राइडे को क्लोज का मार्केट है। ओके, फ्राइडे को। नाइस मार्केट, वेरी नाइस मार्केट। आई केम सेकंड टाइम, मैं आज दूसरी बार यहाँ आया। ये तो पूरा पूरा वर्ल्ड जानते हैं ये मार्केट को, फेयर मार्केट मॉरिशस कतरबॉन। फेयर मार्केट, बिल्कुल सर, मैं फिर परसों को आऊँगा। टूरिस्ट लोग बहुत यहाँ आते हैं। अच्छा, क्या बात है। देखिए गाइस, तो यहाँ पे फीलिंग हमेशा एक भारतीय की तरह होती है, और इतना अच्छा लगता है हमें मिलके। जो ये जेंटलमैन हिंदी में बात करें तो हमें, जो फुटबॉल था वो बिहार का था। अच्छा, बिहार के से? बिहार कौन सी जगह? जगह हम तो मालूम नहीं। डिस्ट्रिक्ट मधुबन जिला? नहीं मालूम। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? 200 साल हो गए या 100 साल से आपके? हमारा तो ये तो फिफ्थ जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन। इसका मतलब कितने साल हो गए? सत्रह सेंचुरी, 17th सेंचुरी का हम लोग जो फुटबॉल से यहाँ आए। क्या बात है सर, गजब। तो आप ब्लॉग के माध्यम से, आपसे पहली बार मिला आज ब्लॉग के माध्यम से, तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? तो हम, मैं भी बहुत बाद इंडिया गए थे। कब गए थे? 15 थे, 15 साल पहले। तीन टाइम्स हम लोग वहाँ शॉपिंग करते हैं, मुंबई में, दिल्ली में। और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा गाइज, लाइक करना, थम करना गाइज, आगे शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।